हामिद बिन अली अल जुबेदी नामी एक शख्स का कत्ल कर दिया गया है। चंद्रान गुट्टा पीएस लिमिट्स का है मामला। तफसीलात के मुताबिक हामिद अल जुबेदी पेशे से एक कारोबारी थे जो बारकस के रहने वाले हैं। उनका वेस्टर्न यूनियन का कारोबार था। आज जब वो अपने घर से निकलकर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में हाशमाबाद रोड पर उन्हें चंद नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी को रोक कर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और उन पर तेज़धार हथियारों से हमला कर दिया। हमले की वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़े। उसके बाद उन हमलावरों ने इस बात को यकीनी करना चाहा कि ये मर गए तो उनके ऊपर वजनी पत्थर डाल दिया। इस तमाम वाक़े को बस्ती के लोगों ने देखा तो बीच बचाव करने के लिए लोग आगे आए तो हमलावर वहाँ से भाग खड़े हुए। बस्ती के लोगों ने 108 को कॉल किया और पुलिस को इस बात की इत्तला। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर अली जुबेदी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जहां पर उन्हें मुर्दा घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें उस्मानिया मुर्दाखाना मुंतकिल किया गया है पोस्टमार्टम की गर्ज से। आए दिन शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदात आम होते जा रही है। इतने सख्त कवानीन होने के बावजूद भी लोगों में डर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह का हमला करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है कि लोगों में कानून का बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा। पुलिस को ऐसे मुलजमीन के साथ सख्त रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है शायद, क्योंकि उसके बाद ही शायद ये लोग कत्ल जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि इस्लाम में भी यही कहा गया है कि एक किसी इंसान को कत्ल करना तमाम इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। एम्बुलेंस लेकर के हाशमाबाद पे आशामत में मटर वन का एम्बुलेंस लेकर जाए के चंद्रन गुट्टा सर्कल साहब बहुत उठा के खुद लेके गए। चलो चलो चलो।